प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन करते हुए ग्राम रोजगार सेवकों ने शहर मुख्यालय की नहर कॉलोनी में राज्य कर्मचारी का दर्जा देने के साथ अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मांग करते हुए ग्राम रोजगार सेवक संघ के जिलाध्यक्ष आदित्य सिंह चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा अक्टूबर 2021 में लखनऊ से उत्तर प्रदेश के ग्राम रोजगार सेवकों के विषय में घोषणा की गई थी कि समान कार्य के लिए समान वेतन देकर नियमित किया जाएगा, लेकिन उस घोषणा के सापेक्ष मात्र आंशिक वेतनमान की बढ़ोतरी की गई। लेकिन मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणा समान कार्य के लिए समान वेतन व नियमितीकरण पर आज तक कुछ भी नहीं किया गया। यदि हमारी मांगे नहीं मानी गई तो प्रदेश नेतृत्व के आदेश पर शीघ्र ही प्रदेश की राजधानी लखनऊ में विशाल धरना प्रदर्शन कर ग्राम रोजगार सेवक अपनी मांगों के बाबत आवाज बुलंद करेंगे। आज किस बात को लेकर का आप लोगों ने ज्ञापन दिया है, क्या मुख्य माने आप? मैं आदेश सिंह चौहान, जिला अध्यक्ष ग्राम रोजगार सेवक संघ जनपद इकाई फतेहपुर। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा अक्टूबर 2021 में एक्सपो गार्डन में हम लोगों के संबंध में कुछ घोषणाएं की गई थी, जिनमें से प्रमुख रूप से एचआर पॉलिसी लागू करके समान काम समान वेतन की बात कही गई थी, लेकिन उन मांगों को पूरा न करते हुए मानदेय में केवल आंशिक बढ़ोतरी की गई। उस बढ़ोतरी में भी ईपीएफ का जो अंश सरकारी अंश कटना था वो भी हमारे मानदेय से कट रहा है। इन्हीं सब के संबंध में हम लोगों का एक दिवसीय प्रदर्शन आज नहर कॉलोनी से शांतिपुर पैदल मार्च करते हुए माननीय जिलाधिकारी महोदय के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन प्रेषित किया गया। क्या परिचय आपका? आदित्य सिंह चौहान, जिलाध्यक्ष उत्तर प्रदेश ग्राम रोजगार सेवक संघ जनपद फतेहपुर।